प्रदेश में बजरी पर रोक लगने के बाद सबसे ज्यादा असर मजदूर पर पड़ रहा है। बजरी नहीं मिलने से निर्माण कार्य बंद होने के बाद अब मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं। आज कोटा में मजदूरों के विभिन्न संगठनों ने नयापुरा से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और बजरी से रोक हटाने सहित मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की गयी। हाड़ौती भर से आए मजदूरों ने कहा कि बजरी पर रोक लगने से भी कई कार्य निर्माण ठप हो गए हैं और उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। बजरी चालू नहीं है, इसलिए मजदूरों के साथ रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने पीने में भी थोड़ा संकट आ रहा है और मजदूरों के ये अभी मजदूरी नहीं चल रही है यहाँ। इसलिए आज जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ से मजदूर संगठन की ओर से ज्ञापन देने यहाँ इकट्ठी हुए। क्या मांग कर रहे हैं? हम ये बजरी चालू हो एक दो और एक मजदूरों की यहाँ से जो टीन से हर जगह चौराहे पे टीन शेड होना चाहिए, एक मिनट, टीन शेड होना चाहिए मजदूरों के। अभी जैसे कुनाडी चौराहे पे वहाँ पे मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन उनको कहीं खदेड़ता रहता है तो मजदूर जाएगा कहाँ पे। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जगह जगह मजदूरों के लिए टीन व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये हमारी मांग है। और जहाँ से जितनी भी हो सके सरकार हमारे मजदूरों की समस्या सुने और ये बजरी का समाधान निकाल के तुरंत चलवावे। जितने भी मजदूर हैं वो भूखे मरने की नौबत आई जो आज ये संगठन करना पड़ रहा है। इन लोगों की हालत है, कोई तो भूखे मर रहा है, किसी का घर में भी आटा भी नहीं है और वो लोग यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। कलेक्टर को हम रकम देंगे कि भाई हमारी मांगे पूरी करी जाए, अगर मजदूरी चालू नहीं होगी, रहती देर चालू नहीं होगी तो भूखे मरेंगे। अगर इस तरीके से सरकार चलेगी तो हम तो ऐसे रोड पे आ गए, कैसे सरकार बनाओगे आप लोग? हम वोट नहीं देंगे, किस तरह से सरकार मिलेगी? आपकी मांग ये है कि मजदूर को है ना जो मजदूरी मिले टाइम पे, और दूसरा कि रेती चालू हो, जब भी मजदूरी निकलेगी नहीं तो मजदूर को सारे भूखे मर जाएंगे।